भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर किशेन श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येन च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे भारत माता की 15 अगस्त की श्री ब्रह्मोवाच ताते मे दुर्लभा पुंसाम जान वृणोषि वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान श्री ब्रह्मोवाच ताते मे दुर्लभा पुंसाम यान वृणीषे वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान पढ़ी माता जी
Sabdarth. Se Brahma Vacha. Brahma ji ne kaha. Tat. He putra. Ime. Ye sabhi. Durlabha. Bahut kam prapt hone wale. Punsam. Manushyon ko. Yan. जो ब्रिनिशे तुम मांगते हो बरान बरों को ममा मुझसे तथापि फिर भी वितरामी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा अंग हे हिरण्यकश्यपु बरान बरों को यद्यपि यद्यपि दुर्लभान समानतया प्राप्त न होने वाले अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के श्रील प्रभुपाद की ब्रह्मा जी ने कहा हे हिरण्यकश्यपु तुमने जो वर मांगे हैं वे अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो पाते हैं हे पुत्र यद्यपि ये वर सामान्यतया उपलब्ध नहीं हो पाते तथापि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा दोहराइएगा ब्रह्मा जी ने कहा हे हिरण्यकश्यपु तुमने जो वर मांगे हैं वे अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो पाते हैं हे पुत्र यद्यपि ये वर सामान्यतया उपलब्ध नहीं हो पाते तथापि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा तात्पर्य भौतिक वर सही रूप में वर कहलाने योग्य नहीं होते यदि किसी को अधिकाधिक वर मिले तो ऐसा वर स्वयं में शाप बन सकता है क्योंकि इस जगत में जिस तरह भौतिक ईश्वर प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शक्ति तथा प्रयास की आवश्यकता पड़ती है उसी तरह उसे बनाए रखने के लिए प्रयास की आवश्यकता पड़ती है ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को बताया कि वे उसे उसके द्वारा मांगे गए वर दे तो रहे हैं लेकिन उन्हें निभा पाना अत्यंत कठिन होगा फिर भी चूंकि ब्रह्मा जी ने वचन दिया था अतएव वे उसके मांगे गए सारे वर देना चाहते थे दुर्लभान शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा वर न ले जिसे शांतिपूर्वक भोगा न जा सके हिरण्यकश्यपु की प्रार्थना के बाद भगवान ब्रह्मा जी वर दे रहे हैं वो अमर होने का वर मांगा क्या क्या कि मेरी मृत्यु जमीन पर न हो आकाश में न हो जल में न हो जीवित वस्तु से और निर्जीव वस्तु से मेरी मृत्यु न हो किसी अस्त्र शस्त्र से न हो मैं सबसे युद्ध में आगे रहूं कोई मुझे परास्त न कर सभी प्राणियों का मैं ही एकमात्र मालिक रहूं तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं उसके वरदान मांगने की बात सुनकर हे प्रिय हिरण्यकश्यपु तुमने जो कुछ मुझसे मांगा है जो वर मांगा है ये बड़े दुर्लभ हैं लेकिन फिर भी चूंकि मैं वचन दे चुका हूँ अतः तुमको वर दूंगा यद्यपि वर देने के बाद भी ये दुर्लभ रहेंगे वरान यद्यपि दुर्लभान एक ही श्लोक में दो बार दुर्लभ शब्द का प्रयोग किया है ब्रह्मा जी बहुत बड़े विद्वान हैं भगवान के बाद वही विद्वान है
तो अजीब ढंग से बोल रहे हैं, मैं वर दे रहा हूँ लेकिन ये दुर्लभ रहेगा, वर पा करके भी तुमको वर लाभ नहीं होगा, दुर्लभा दुर्लभान। कहने का आशय है कि मैं वर दूंगा चूंकि मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, परंतु वो वर तुमको वास्तव में प्राप्त नहीं हो पाएगा, अर्थात तुम अमर नहीं हो पाओगे, तुम अजय नहीं हो पाओगे, तुम्हें मरना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में कोई भी सुविधा जो मनुष्य भोगना चाहता है अच्छा से भोग नहीं सकता है। इस संसार में बड़ा पद पाने के लिए, बड़ी सिद्धि पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और वो पद प्राप्त भी हो जाए तो उसको बनाए रखने के लिए भी और कठिन संघर्ष करना पड़ता है। यही ब्रह्मा जी के कहने का आशय था। यद्यपि मैं वर दे रहा हूँ लेकिन इससे तुमको सुख शांति नहीं मिलेगी। आज स्वतंत्रता दिवस है हमारे भारतवर्ष के लिए, अतः इस समय इस अवसर पर कुछ इतिहास की आवृत्ति करना आवश्यक। बहुत परिश्रम के बाद हम लोगों को इस देश में स्वतंत्रता मिली, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, पश्चात देश का कब्जा रहा हमारे देश पर, बहुत वर्षों की गुलामी ये देश भोग चुका है। लगभग 1000 कुछ वर्ष बीतने पर इस देश में यवन का आक्रमण हुआ जिसे मोहम्मद गोरी कहते हैं। उसने यहाँ के राजा पृथ्वीराज को कैद कर लिया। और कारागृह में रखा, लेकिन महाराज पृथ्वीराज इतने कुशल शस्त्रज्ञ थे कि शब्द वेधी बाण मार करके उसकी आंखें फोड़ दी। जेल में थे, शब्द वेधी बाण से उसको मार दिए। शब्द सुन करके वहाँ लक्ष्य से मारा जा सकता था। और उसके बाद ये देश जयचंद की सहायता से एक घातक क्षत्रिय धोखा देने वाला, उसकी सहायता से मुसलमानों का एक कब्जा हो गया। बहुत शताब्दियों तक ये कब्जा चला। और अंत में मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ, वह बहुत लड़खड़ाते हुए 50 वर्षों तक शासन किया। उसको बहुत भय था छत्रपति शिवाजी से और महाराणा प्रताप से, और उधर पंजाब में गुरु गोविंद सिंह से। पर किसी तरह से वो 50 साल चला दिया। उसके बाद बहादुर शाह यहाँ का राजा हुआ,
उसी के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो राजा से परमिशन ले लिया कि हम व्यापार करने आए हैं, बहुत सा सामान लेकर के जहाज पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, सबसे पहले कलकत्ता में, और कलकत्ता के बाद वो अपने सामान को बेचने लगे सब जगह। उनके सामान बड़े आकर्षक थे, भारत के धनी धनी लोगों ने उन सबको खरीदना चालू किया, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बहुत बढ़ा, और वो व्यापार इतना बढ़ा कि स्वयं राजकीय परिवार के लोग ऋणी हो गए, वे चुका नहीं पाए ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण, इसीलिए उन्होंने सौंप दिया, दिल्ली की गद्दी को दे दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश का राजा बन गई। इस तरह व्यापारी के रूप में आकर के उन्होंने यहाँ का राज दखल किया। इस प्रकार 1947 तक लगभग 1100 वर्षों तक ये देश गुलामी में रहा। बहुत लंबा समय है, 1100 वर्षों तक ये विदेशी गुलामी में रहा। यद्यपि बीच बीच में विद्रोह हुआ 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, भारत के जवान थे सिंह सेना में, उन्होंने विरोध कर दिया कि अंग्रेज का हम साथ नहीं देंगे, लेकिन अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी शक्ति थी, शस्त्र था, उन्होंने उस आंदोलन को बुरी तरह से दबा दिया। बहुत बड़ा बड़ा विरोध हुआ, झगड़ा हुआ, लेकिन पश्चात देश से आए हुए व्यापारी बन करके आए हुए ये अंग्रेज जीत गए, और भारत गुलाम का गुलाम रह गया। अंत में भगवान कृष्ण की कृपा से 1947 में इसी 15 अगस्त को अंग्रेजों ने छोड़ दिया भारत को, सौंप दिया यहाँ के शासन। 1947 में 14 अगस्त को वे गुजरात ने पाकिस्तान को स्वतंत्र किए, और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता दिए। यह अभी एक ट्रिक था विदेशियों का कि वे चाहते थे ये प्रभाव डालना कि पाकिस्तान ये समझे कि हमने उसको राज दिया है और भारत से राज नहीं प्राप्त किया, फूट डालने के लिए ये विदेशियों की नीति थी। पहले पाकिस्तान को स्वतंत्र किया 14 अगस्त को, एक दिन पहले, और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र किया, और कह दिए कि हम आप लोगों को सौंप रहे हैं, आप लोग शासन कीजिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे। असल में ये प्रभाव पड़ा बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक का, उनके दबाव में पड़ करके अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ दिया। वे साफ नारा बोल रहे थे लोकमान्य तिलक जी के, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो, हम तुमको पसंद नहीं करते हैं, तुम्हारे अत्याचार से भारतवासी तंग हो गए हैं, इसलिए तुम भारत छोड़ो।
क्विट इंडिया, भारत छोड़ो का आंदोलन लोकमान्य तिलक ने ही प्रस्तुत किया था। सारी जनता को एक कर लिए लोकमान्य तिलक जी, हिंदू मुसलमान सबको मिलाए, और उनका बहुत बड़ा प्रभाव था, इस कारण सभी लोग मिल गए। यहाँ तक कि लोकमान्य तिलक को जब समुद्र के किनारे ले गया गया शरीर छूटने पर, उसमें 5 लाख लोग गए थे, 5 लाख जनता उस समय, इतना प्रभाव था उनका मुसलमानों पर भी। एक मुसलमान युवक जब चीता जल रही थी तो उसने कूद करके प्राण दे दिया, इतना प्रेम था, सबको एक में मिला कर रखते थे। तो इस तरह पाश्चात्य प्रभाव खत्म हुआ भारत में, लेकिन देश तो आजाद हो गया, परंतु यहाँ जो विदेशियों के संग से कुसंस्कार पड़ा वो रह गया। जैसे किसी को बहुत दिन कोई बीमारी रह जाए, बुखार रह जाए, तो बुखार के कारण होने वाली कमजोरी बाद में भी रहती है और कई तरह की दिक्कत हो जाती है। तो इसी तरह से हम विदेशी तो चले गए लेकिन कुछ संस्कार छोड़ गए, उसको अभी भी हमें सुधारना है। वो तो कुछ संस्कार क्या है, यहाँ की शिक्षा बदल दी उन्होंने, यहाँ की संस्कृति को मिटाने की चेष्टा किया, और कुछ संस्कार पड़ गया भारतीयों पर। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे और उनकी अंग्रेजी शिक्षा को पसंद करते थे, उन्होंने यहाँ की चिकित्सा विधि को बदल दिया, अंग्रेजी दवाओं का प्रचार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजर गवर्नर में काले अंत में आए थे, उन्होंने वहाँ के रानी को पत्र लिखा, पत्र में साफ लिखा कि भारत में कब्जा कर पाना बड़ा मुश्किल है, अगर यहाँ इसको अधीन रखना है तो यहाँ की पशु संपदा को खत्म कर दिया जाए। पशु मतलब गाय, गाय भारत की इकोनॉमी का प्रधान कारण है, और चिकित्सा भी गाय का बड़ा महत्व है। गाय के दूध को लोग पीते हैं, घी खाते हैं, इसलिए स्वस्थ हैं। हमें यहाँ दवा बेचनी है तो यहाँ की चिकित्सा प्रणाली को ख़त्म करना होगा, यहाँ की शिक्षा बदलनी है। सबसे ज़रूरी है यहाँ के शिक्षा को बदलना। तो शिक्षा में उसने एक प्रस्ताव दिया कि यहाँ हिंदू बहुल देश है, यह हिंदुओं की बहुत श्रद्धा है अपने अपने ग्रंथ पर, शास्त्र पर, गीता, भागवत, रामायण, पुराण, इतिहास, उपनिषद, इन सब में बड़ी श्रद्धा है। तो इन ग्रंथों का जब तक प्रचार रहेगा तब तक यहाँ हिंदुओं पर अधिकार कर पाना कठिन है। तो रानी से उसने रिक्वेस्ट किया, एलिजाबेथ से, कि आप कुछ ऐसे लेखक तैयार कीजिए, ऐसे लेखक जो इन ग्रंथों
को अपने ढंग से प्रस्तुत करें। इन ग्रंथों में कुछ इतिहास है, जैसे बदला गया इतिहास हमने पढ़ा है। शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े शासक और नेता थे, उनके विषय में एक लेखक ने लिखा है कि वे महाराष्ट्र में बहुत बड़े डाकू हैं। शिवाजी एक डाकू है, लुटेरा है, इस तरह की बात लिखना कितना गलत है। लेकिन उसी ने, मेकाले ने ये सब षड्यंत्र रचा और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाती थी, तो भारत के युवक ये मानने लगे कि शिवाजी डाकू थे, जो बड़े ही सुशील और सज्जन राजर्षि थे उनको डाकू बना दिया। और कुछ वर्ष पहले बौद्ध काल में एक भवभूति नाम का कवि हुआ था, तो उसने एक षड्यंत्र रचा कि राम को बदनाम करने के लिए रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कुछ छेपक जोड़ दिया। छेपक कहते हैं किसी प्रसिद्ध ग्रंथ में अपनी रचना डाल देना। बौद्ध काल में वाल्मीकि रामायण का बहुत प्रचार था और भगवान राम के चरित्र का बहुत बड़ा असर था जनता पर। तो बौद्ध शासकों के निर्देश से भवभूति ने रामचरित को दूषित किया। उसने वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड लिखा। उत्तर कांड वाल्मीकि मुनि का लिखा हुआ नहीं है, वह भवभूति का लिखा हुआ है, क्योंकि रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि इसमें 6 कांड हैं, युद्ध कांड, लंका कांड अंतिम है और वहीं पर फलश्रुति दे दी गई है। पर उसने उत्तर कांड लिख करके जोड़ दिया, उसको प्रक्षेपक कहते हैं। ये बहुत बाद में पता लगा, लखनऊ में विश्वमोहन मिश्रा जी एक लेफ्टिनेंट थे, सेना में नायक बने थे, तो उन्होंने एक लेख लिखा कि ये उत्तरकांड वाल्मीकि की रचना नहीं है, ये भवभूति की रचना है। तो उसका बड़ा प्रभाव है। उसमें उसने लिख दिया है कि एक शंबुक नाम का शूद्र था, उसको राम ने मारा। वो शंबुक तपस्या कर रहा था, तपस्वी को मारा राम ने। तो इतना विषम राजा हिंदुओं में होता है, ऐसा गलत राजा जो तपस्या करने वाले को मार दिया, तो राम कितना गलत व्यक्ति है। इस प्रसंग को पढ़ा, इस महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा विद्यार्थी जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर इंग्लैंड में पढ़ने गए थे और उन्होंने अंग्रेजी भाषा में वाल्मीकि रामायण का अनुवाद पढ़ा। उसमें उन्होंने ये प्रसंग पढ़ा कि राम शूद्र का वध किए, तपस्वी का, अपने गुरु के कहने से, वशिष्ठ जी के कहने से। इस प्रसंग को पढ़ते ही अंबेडकर जी रामायण को लात से मार दिए और फेंक दिए, कह दिए कि ये ग्रंथ पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि राम ऐसा विषम राजा है। और तब से बहुत बैड प्रचार है भारत में कि राम ने शंबुक का वध किया,
ये बात रामायण में लिखी हुई है प्रक्षेपक में। दो ब्लेम लगाया गया है राम पर, एक तो कि उन्होंने सीता का परित्याग किया। एक बार सीता वन में गई थी भगवान के साथ, और दूसरी बार एक धोबी कहने लगा अपनी पत्नी से कि तुम एक दिन बाहर रही हो दूसरे के घर, तुम पर विश्वास नहीं करता, मैं राम नहीं हूँ कि तुमको रख लूँगा अपने घर में। राम रख लिया सीता को, जो लंका में राक्षसों के बीच रही थी एक महीना। तो राम बहुत भ्रष्ट व्यक्ति है, वो रख लिया अपनी पत्नी को, मैं नहीं रख सकता। धोबी ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, ये झूठा प्रसंग, ये उत्तर कांड का, भाई भवभूति का लिखा हुआ, वाल्मीकि का लिखा हुआ नहीं, वाल्मीकि एक महात्मा थे, वे ऐसे कैसे लिख सकते। और राम ने सीता को त्याग दिया, लक्ष्मण से कह दिया कि इसको वन में कराओ। और उस समय सीता जी गर्भिणी थी, बताइए इस तरह की बात, गर्भिणी अपनी पत्नी को, सीता को राम ने वन में भेज दिया, ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में। इस प्रसंग को और शंबुक वध की कथा को सुन करके अम्बेडकर जी बहुत दुखी हुए, कहे कि ऐसा राजा नहीं चाहिए, ये बहुत बुरा है, जो अपनी पत्नी को किसी एक व्यक्ति के कहने से त्याग दिया। तो इन दो प्रसंगों का बड़ा बुरा असर हुआ है। अम्बेडकर बहुत विरुद्ध हो गए हिंदू धर्म के, और फिर उन्होंने 1956 में हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और एक प्रकार से पिछड़ी जातियां सदा के लिए उनके साथ हो गई। ये खुराफात किया विदेशियों ने, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके प्रस्तुत किया वाल्मीकि रामायण को, राम के प्रति घृणा पैदा किया, और इसका यह परिणाम आज तक है। आज भी लोग अम्बेडकर की बात को मानते हैं, और अम्बेडकर वही प्रमाण देते थे कि राम कितना नीच राजा है जो अपनी पत्नी को त्याग सकता है। ये सब बेतुकी बातें हैं, ये तो झूठा लिखा गया, कोई घटना नहीं घटी। जिस सीता की परीक्षा ली गई, अग्नि में जल करके उन्होंने परीक्षा दिया, सीता जी स्वयं आग में प्रवेश कर गई थी लंका में, और कुछ भी नहीं, जली नहीं, वो परम सती है, जिनकी परीक्षा के विषय में सारा भारत जानता है। फिर ऐसी सती स्त्री को त्याग देना ये भगवान के द्वारा संभव नहीं था, लेकिन फिर भी लिखा गया, और तपस्वी शंबु का उन्होंने वध किया, यह भी झूठा लिखा गया। तो ये दो घटना अम्बेडकर जी के मन पर बहुत असर किया। ऐसे ही भारत के अनेक नवयुवक हैं अब भी जो अंग्रेजों की लिखी हुई किताबों को मानते हैं,
और उन्होंने तो गलत इतिहास लिख दिया, शिवाजी को डाकू लिख देना, इस तरह के अनेक षड्यंत्र किए हैं। अंग्रेजों ने ये लिख दिया कि हिंदुओं में बहुत कुरीतियाँ हैं, हिंदुओं की स्त्रियाँ अपने पति को भगवान के समान मानती हैं, यह कितना गलत है, इस तरह से लिखे। वास्तव में भाव है, भारत की स्त्रियाँ और हिंदुओं की स्त्रियाँ तो अपने पति को भगवान के समान आदर देती हैं, पति की मृत्यु हो जाए युवावस्था में तो वो पति के शव के साथ जल जाती थी, इतनी दृढ़ निष्ठा थी। तो इस सती प्रथा को रोक दिया उन्होंने। यहीं के एक अंग्रेजों के हिमायती थे राजा राममोहन राय, वे अंग्रेजों से मिल करके एक कानून बनवाए कि सती होना ये अमानसिक है, मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियम लगा दिया कि कोई स्त्री जल नहीं पाएगी, ये आत्महत्या के समान है। अपनी इच्छा से भी कोई स्त्री पति के साथ जल नहीं सकती, सती प्रथा को बंद कर दिए। ऐसे अनेक कानून बने जो केवल हिंदुओं के विरुद्ध थे, हिंदू संस्कृति के विरुद्ध। और आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश में जो शासन लगा इस समय भी है तो उसको सेकुलर स्टेट कहते हैं। सेकुलर स्टेट का मतलब है धर्म निरपेक्ष राज्य, जिस राज्य में धर्म का कोई दखल नहीं रहेगा। यह सेकुलर शब्द भी पाश्चात्य देश से आया है। ऐसी स्थिति थी यूरोप में कि वहाँ पर पादरियों का बहुत दबदबा था, पोप का शासन चलता था, सारी अर्थव्यवस्था पादरियों के हाथ में थी, वे ही शासक थे। राज्य में धर्म और राज्य शासन दो विभाग हो, पादरी लोग बहुत दबाव करते थे। जितना भी दोष फैला है भारत में ये सब क्रिश्चियनों का फैलाया हुआ है, मुसलमान तो बाद में है। सबसे ज़्यादा बुरे लोग इस संसार में ईसाई लोग हैं, ये इतिहास पढ़ करके पता चलेगा। जब किसी व्यक्ति को दीक्षा दी जाती थी क्रिश्चियनिटी में तो एक हाथ में झंडा रहता था जो शीश बनता था, दूसरे में तलवार। शिक्षा देते थे कि तुम्हें क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना है, जो नहीं माने उसको काट देना है, और क्रिश्चियनिटी का विजय ध्वज लेकर के सब जगह फैलाना। एक हाथ में झंडा और एक में तलवार लेकर, यही दीक्षा होती थी। हम लोगों के यहाँ दीक्षा होती है माला पकड़ाते हैं जप के लिए, लेकिन जहाँ यही सिद्धांत था कि जो हमारी बात न माने उसको सीधे कत्ल करो, नहीं बात माने तो, यही दीक्षा था। ये मुसलमान लोग क्रूर नहीं थे पहले, ये सीख लिए क्रिश्चियनों से
क्रूरता हिंसा जब इन्होंने देखा कि ये ईसाई बड़े क्रूर हैं तो इन्होंने उनके स्वभाव को सीख लिया। हमारे इस भारतवर्ष में मुसलमान बहुत प्रेम से रहते थे। ये भाई शब्द जो लगा है, जैसे हम लोग सुनते हैं गुजरात में सबको भाई कहते हैं, तो ये भाई शब्द लगा मुसलमानों के लिए, उनको अपना भाई समझते थे हम लोग। परंतु अंग्रेजों के संग से ये सब भी हिंसक हो गए और हिंदुओं से नफरत करने लगे। तो बहुत कुछ बिगड़ चुका है। ये बिगड़ा है केवल क्रिश्चियनों के संग से। इस प्रकार की बात हमें नहीं कहनी चाहिए, चूँकि प्रभुपाद जी ऐसी बात नहीं कहते थे, लेकिन हमने कुछ पढ़ा है इतिहास को, इसलिए इस 15 अगस्त को ये बात याद आ गई। और मुसलमानों में, हिंदुओं में विरोध पैदा कर दिया उन्होंने, नहीं तो पहले बहुत प्रेम से लोग रहते थे। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कोई विरोध नहीं। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम शासक थे जैसे बाबर, उसने अपने राज्य में यह फरमान जाय लगाया था कि कोई गोहत्या नहीं करेगा, और उसका पुत्र हुमायूं था वो तो गोमांस से घृणा करता था, गोमांस कभी खाया नहीं। उसके बाद ये अकबर राजा हुए तो उन्होंने बहुत ही हिंदुओं के साथ मेल मोहब्बत रखा। उनके राज में भी गोहत्या नहीं होती थी, पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई तब यह गोवध चालू करके गाय का मांस जहाजों में भर भर करके विलायत भेजना चालू किया, विदेशियों को गोमांस खिलाने उपक्रम किया। तो गोहत्या होने लगी, बड़े बड़े कसाई खाना खुलने लगे। तो मैं शुरू में कहा कि ये सब बुराई की जड़ वास्तव में पश्चात देश वाले हैं। तो आज़ादी मिल गई है, लेकिन उनके संग से जो कुसंस्कार पड़ गया है उसको धीरे धीरे यहाँ से धोना है, बचना है। पहले तो हम लोगों को अपने शास्त्रों पर श्रद्धा करनी है। हमारे शास्त्र भगवान के बनाए हुए हैं, ऋषियों के बनाए हुए हैं, और दूसरों के शास्त्र तो कुछ ही 100 वर्ष के हैं। जैसे मुसलमानों का कुरान केवल 1400 वर्ष पुराना है, और हमारी संस्कृति कब से है कोई पता नहीं, अनादि काल से है और इसीलिए अनंत काल तक रहेगी। इतने बड़े बड़े आक्रमण हुए, हूण शक यवन, बहुत बड़े बड़े आक्रमण हुए, लेकिन फिर भी ये संस्कृति बची हुई है, फिर भी हमारा धर्म है। हम लोग धर्म को राज्य से अलग नहीं कर सकते। धर्म के विषय में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और दूसरे के यहाँ धर्म की परिभाषा क्या है,
ए काइंड ऑफ फेथ, एक प्रकार का विश्वास ही धर्म है ऐसा मान। लेकिन हमारे यहाँ जो धर्म के विषय में बताया गया है, धारणा धर्म, जो हमको हमारी मनुष्यता को धारण करे उसे धर्म कहते हैं। हमारी संस्कृति अध्यात्म प्रधान रही है, हम लोग हमेशा अध्यात्म पर जोर दिए हैं। और दूसरे देश में जो संस्कृति है वो केवल पैसा कमाने भोगने का उपदेश करते हैं, जैसे हो सके बस पैसा कमाओ और भोगो, यही जीवन का लक्ष्य। जो व्यक्ति पुनर्जन्म को नहीं मानेगा तो उसमें तो दोष आ ही जाएगा। जो पुनर्जन्म नहीं मानता है तो ये सोचता है कि यही जन्म सब कुछ है, इसी जन्म में हमें खाना है, पीना है, सुख से रहना है, आगे कोई जीवन नहीं। इस प्रकार का अज्ञान कैसे सुखी कर सकता है मनुष्य को। लेकिन हम लोगों के धर्म में तो यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि पुनर्जन्म होता है, फिर अगला जन्म मिलेगा, इसीलिए बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुरे कर्म का फल भी बुरा होगा, बुरी गति होगी। पाश्चात्य संस्कृति ने बहुत बड़ा अपकार किया है भारत का। यहाँ के नवजुवकों को ऐसी शिक्षा दी गई कि वे अपनी संस्कृति के प्रति नफरत करने लगे। हमारे भारतवर्ष में धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं थे। जो राजा होते थे वे भी अपने धर्म का पालन करते थे, अपने कर्तव्य का। जैसे उदाहरण में एक चंद्रगुप्त राजा थे और ब्राह्मण मंत्री थे चाणक्य, पर वे राजा के मंत्री थे पर राजा पर, राजा के किसी अधिकार पर इनक्रोचमेंट नहीं करते थे। ब्राह्मण थे, बड़े त्याग से रहते थे, कुटिया में रह। कल हमने कहा था कि एक दीपक में जो पैसा लगता था उसका भी हिसाब रखते थे, अपने वेतन के पैसे से तेल खरीदते थे और उससे प्राइवेट बात करते थे, राजा का धन नहीं खर्च करते थे। इतना शुद्ध ब्राह्मण। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करते थे, क्षत्रिय अपने धर्म का, वैश्य अपने धर्म का, और शूद्र अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का। उनका कर्तव्य निश्चित था ऋषियों द्वारा। राजा शासन करता था, क्षत्रिय शासन में रहते थे और ब्राह्मण वेद शास्त्र पढ़ते थे, यज्ञ करते कराते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, अपने अपने धर्म में थे। स्वसो कर्मणा तमाभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। भगवान कहते हैं गीता में कि मनुष्य अपना अपना कर्म करके परफेक्शन प्राप्त करता है, अपना कर्म करते थे, दूसरे के कर्म को बाधित नहीं करते।
एक बार की घटना है, महाराज रघु जब राजा थे यहाँ तो उनके समय में एक उपमन्यु नाम के ब्राह्मण थे, उनके यहाँ बहुत विद्यार्थी थे। एक कौत्स नाम का ब्राह्मण बालक शिक्षा लेता था गुरुकुल में, तो कौत्स जब पढ़ाई पूरा कर लिया तो गुरु जी से पूछने लगा, मैं क्या दक्षिणा दूँ आपको? जो ब्राह्मण वैसे ही परम त्यागी होते थे, उनमें भोग वासना नहीं होती थी, वो कहे कि नहीं बेटा, हमको कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन वो बार बार पूछता था कि गुरु जी सब विद्यार्थी दक्षिणा देते हैं तो हम भी देंगे। उसके पास कुछ था नहीं, तो गुरु जी ने कह दिया नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बार बार वो आग्रह किया तो इसी से उब करके उन्होंने कह दिया, तुम मुझसे 14 विद्या पढ़े हो, 14,000 स्वर्ण मुद्रा दो। उस समय स्वर्ण मुद्रा चलती थी, ये कागज का नोट तो बहुत बाद में चला। जो कह दिया कि 14 विद्या पढ़े हो, एक विद्या के लिए 1,000 स्वर्ण मुद्रा दो। उन्होंने उब करके कह दिया, बार बार पूछता था इसीलिए दक्षिणा देने की बात आ गई, कह दिया उन्होंने। तो उसके पास कुछ था नहीं तो वो गया राजा के पास, वो अयोध्या जी गया। उस समय रघु महाराज वहाँ के शासक थे रघुकुल के, तो वो तो बहुत बड़ा यज्ञ कर चुके थे, उनके पास धन नहीं था, प्रजा पालन में सारा धन खर्च हो चुका था। जब ये ब्राह्मण पहुंचा अयोध्या तो राजा मिले, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, किस लिए आए हैं? तो बड़े भाग की बात है कि एक विद्यार्थी ब्राह्मण हमारे दरबार में आया। तो कौत्स ने कहा, महाराज आप छोड़िए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन राजा रघु कहने लगे, आप ब्राह्मण विद्यार्थी होकर के हमारे यहाँ आए हैं, आपकी जो इच्छा हो कहिए। संकोच मत कीजिए। तब कौत्स ने कह दिया, हम स्नातक हो चुके हैं, हम पढ़ाई पूरा कर चुके हैं, गुरु जी को दक्षिणा नहीं दिए हैं। गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए 14,000 स्वर्ण मुद्रा हमको चाहिए। राजा ने पूछा अपने कोषाध्यक्ष से, तो कोष तो खाली था, कुछ था नहीं ब्राह्मण को देने के लिए। लेकिन रघु महाराज ने कहा, मैं व्यवस्था करता हूँ, आप आज रात को रुकिए, मैं 14,000 स्वर्ण मुद्रा दे दूंगा। ऐसा कह करके राजा रघु ने मंत्री को कहा, मेरा रथ तैयार कीजिए, आज नहीं कल रात्रि के बाद, कल कुबेर पर चढ़ाई करनी है, अलकापुरी पर चढ़ाई करनी है, और हमें धन प्राप्त करना है। ऐसा प्रताप था राजा रघु का, कुबेर जो देवताओं में सबसे धनी है, उनके यहाँ चढ़ाई करके और ब्राह्मण के लिए दक्षिणा लानी है। और तब तक हुआ क्या, सवेरा होते ही
स्वर्ण वर्षा होने लगी, सोने की असरफियों की वर्षा होने लगी, कोष भर गया। कोष में जितना चाहिए सोना भर गया, 14,000 केवल चाहिए था। तो महाराज रघु ने फिर बंद करा दिया, अब जरूरत नहीं है। तो सोने स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थी, उसको गिन गिन करके राजा देने लगे ब्राह्मण को। तो जब 14,000 पूरा हुआ तो ब्राह्मण बालक कहता है, हमको केवल 14,000 चाहिए, एक पैसा भी अधिक नहीं, एक सिक्का भी अधिक नहीं लूंगा। तो 14,000 स्वर्ण मुद्रा पड़ी थी, ले लिया कौत्स ने, और शेष के लिए वो कहा कि अब नहीं चाहिए हमको। तो राजा रघु ने कहा कि ये तो वर्षा आपके लिए हुई है। तो वे कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपनी आवश्यकता से ज़्यादा नहीं लूँगा, 14,000 से ज़्यादा नहीं लूँगा। राजा कह रहे थे ये तो धन आपका है, आप रख लीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, वर्षा तो बहुत हुई है लेकिन मैं 14,000 ही लूँगा। तो 14,000 ले करके चले गए। और राजा कहते थे हम ब्राह्मण का धन क्या करेंगे, हम ब्राह्मण का धन नहीं लेंगे। तो राजा भी नहीं लिए, वो पूरा कोष भरा हुआ था सोने की मुद्रा से। तो उधर ब्राह्मण भी छोड़ करके चले गए, राजा रघु उसको ब्राह्मणों में बांट दिए, केवल ब्राह्मणों में, अपने लिए नहीं रखे। ऐसा था आदर्श, ब्राह्मण का धन हम नहीं ले सकते हैं। ब्राह्मण कहता था हम संग्रह नहीं करेंगे, एक सिक्का भी ज़्यादा नहीं लेंगे। तो यह था हमारा धर्म। ब्राह्मण अपना काम करता था, क्षत्रिय अपना काम करते थे, वहाँ कोई सवाल नहीं था सेकुलर स्टेट का। ये विदेशियों के द्वारा दिया हुआ शब्द है सेकुलर स्टेट, धर्म निरपेक्ष राज्य। धर्म राज्य से निरपेक्ष हो नहीं सकता। तो चूंकि यूरोप में धर्म अलग चीज था और राज्य अलग था, इसलिए उन लोगों ने लागू किया। हमारे यहाँ के राजा अपने धर्म का पूरा पालन करते थे। और ये विदेशियों में तो राज्य का मतलब समझते हैं केवल रोटी कपड़ा मकान जुटाने का काम, केवल हमको रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, बस इसी के लिए राज्य। और जब यूरोप के पादरियों ने अपना रोग जमाना चालू किया, उस समय सारा अधिकार चर्च को होता था। वे बहुत धनी होते थे और बड़े भोगों में पड़ गए। तब जनता ने उनका विरोध किया, नहीं, धर्म अलग रहेगा, राज अलग होगा, राज में इनका दखल नहीं होगा। तब से राज्य निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष राज्य होने चलने लगा। और उसी समय से सेकुलर स्टेट शब्द चालू हुए। लेकिन हमारे भारतवर्ष में तो राजा हो चाहे शुद्ध हो, ब्राह्मण हो, कोई, सब अपने अपने धर्म में रहते। धर्म छोड़ करके राज नहीं चलाया जा सकता। धर्म तो प्राण है,
इसलिए वास्तविक स्वतंत्रता अभी नहीं मिली है। वास्तविक स्वतंत्रता तब मानी जाएगी जब इस देश में एक भी व्यभिचारी नहीं रहेगा, एक भी हत्या नहीं होगी, कोई लुटेरा नहीं रहेगा, सब में सदाचार रहेगा, सब में अहिंसा की भावना रहेगी, स्त्रियों के प्रति मातृभाव रहेगा, तब माना जाएगा कि हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिली है। हम स्वतंत्र होकर के भी मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम हैं। अरे पाश्चात्य संस्कृति तो फूट डालती है, स्त्रियों को अपनी पत्नी को भी पति से झगड़ा करा देना, समान मांग की बात करते हैं, समान अधिकार, स्त्रियों को भी भड़काते हैं, तुम मांग करो, तुम्हारा भी अधिकार है जैसे पुरुषों का, नौकरी में सब जगह तुम्हारा अधिकार है, तुम भी मिनिस्टर बन सकती हो, और तुम भी धन अलग रख सकती हो, धन रखने का अधिकार। ये केवल झगड़ा लगाते हैं, जहां लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, कितना सुंदर भारतीय परिवार होता है, घर में केवल दो तीन नहीं 10-20 लोग भी रहते हैं एक परिवार में, संयुक्त परिवार, सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो ऐसे परिवार में भेद डाल देना ये कह करके कि तुम अलग धन रखो, तुम कमाओ, स्त्रियों का ये धर्म नहीं है, स्त्रियों का धर्म है, मनु महाराज ने कहा है, उसे पति की सेवा करनी चाहिए और पति के धन पर उसका अधिकार होता है, पति कमाए और घर की सारी व्यवस्था गृहिणी करे, और यहाँ तक कि पति को कुछ खर्च करना है, कोई काम करना है तो पत्नी ही पैसा देती थी, वही अधिकारिणी मानी जाती है, रखी रहती है अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए और अपने सास ससुर के लिए, वही रखती है। लेकिन अलग से कमाने का कोई विधान नहीं, क्योंकि कोई स्त्री अलग रहेगी तो उस पर अनेक बुरे लोग नजर रखेंगे। आजकल स्त्रियां जा रही हैं दूर दूर नौकरी करने के लिए, घर पर बच्चे की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता, इसका बहुत बुरा परिणाम हो रहा है। बार बार ये सब सुनाई पड़ता है, ये रेप है, गैंग रेप, ये कितना बुरा दिन है, ये स्वतंत्रता नहीं है। असली स्वतंत्रता तब मानी जाएगी जब एक भी रेप ना हो, इस तरह का गुंडागर्दी कोई हो ही नहीं, स्त्रियां सुरक्षित रहें। जिस देश में ये रेप शब्द सुना जाता है वहां स्वतंत्रता है, ये कैसे माना जाएगी, ये लज्जा की बात है। ऐसे पवित्र देश में ऐसे गंदे व्यवहार, इसीलिए मैं कहा कि अभी स्वतंत्रता पूरी नहीं है, अभी बाकी है। हमको अपनी स्वतंत्रता लेने के लिए अपने शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। जब श्रील प्रभुपाद जी
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से प्रथम बार मिले तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी गांधी जी के आंदोलन में थे, उनको भी भारत स्वतंत्र करने की चिंता थी, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने समझाया असली स्वतंत्रता है आत्मा को मुक्त करना, देहात्म बुद्धि खत्म करना। जीव अनादि काल से माया बंधन में है, जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा आदि, हम स्वतंत्र कहाँ से हैं? स्वतंत्र होने के लिए अपने सदग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताया कि तुम बहुत पढ़े लिखे लड़के हो, बहुत होनहार हो, तुम अंग्रेजी भाषा में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करो और प्रचार करो। तब श्रील प्रभुपाद जी इस आंदोलन को छोड़ करके, गांधी जी के आंदोलन को छोड़ करके और पत्रिका छापने लगे, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने लगे ग्रंथों का। और जब अनुवाद पूरा हुआ तब तो भगवद गीता और श्रीमद भागवतम लेकर के अमेरिका गए और प्रचार किए। तो सच्चा प्रचार और सच्ची सभ्यता तो प्रभुपाद जी ने दिया है। उनके प्रचार में कोई हिंसा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सबको सिखाया चार नियम, नो इलिसिट सेक्स, कभी किसी स्त्री के साथ दुराचार नहीं करना। असल प्रभुपाद जी की बात को सब जगह लोगों ने माना, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह स्वागत किया। और श्रील प्रभुपाद जी केवल 11 वर्ष प्रचार किए, 11 वर्ष में 14 बार पूरी पृथ्वी पर घूमे, इस तरह से उन्होंने प्रचार किया। वास्तव में विश्व विजेता श्रील प्रभुपाद जी हैं, सिकंदर सिकंदर नहीं, सिकंदर विश्व विजय के लिए चला, वो केवल लुटेरा था, केवल जगह जगह से सोना इकट्ठा करना, स्त्रियों का अपहरण करना और लड़ाई में अनेक सैनिकों का वध करा देना, यही उसका काम, बहुत हिंसा किया है। परंतु वास्तविक विश्व विजय किया है श्रील प्रभुपाद ने, कहीं कोई हिंसा नहीं। और सारी दुनिया में भगवान का मंदिर बनवाया, यहाँ तक कि नास्तिक देश रसिया में भी अब घंटा बजते हैं और आरती होती है, चाइना में, सब जगह है प्रचार। कहीं कोई हिंसा नहीं, केवल भगवान का नाम जपना, भगवान की आज्ञा मानना, भगवद गीता पढ़ना, परम शांति से प्रभुपाद जी ने सब जगह प्रचार किया। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग प्रभुपाद जी के संस्था में हैं। वास्तविक धर्म का प्रचार करने वाली यही संस्था है, वास्तविक नीति, वास्तविक धर्म सिखाती है संस्था। अतः हम लोगों का एक कर्तव्य है कि हम लोग परम शुद्ध जीवन बितावें, कहीं कोई कलंक न लगे, किसी में कोई दुराचार न रहे,
जब तक ब्रह्मचारी हैं तो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें, वेद शास्त्र का अध्ययन करें, और यदि दैव योग से विवाह करें, गृहस्थ बने, तो गृहस्थ धर्म में भी लगे रहे। सभी धर्म अंत में हमको मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, सन्यासी, सबका लक्ष्य है अंत में परमात्मा को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। कोई धर्म ऐसा नहीं है, कोई वर्ण धर्म ऐसा नहीं है जो व्यक्ति को फंसाए रहे संसार में, त्याग की शिक्षा देता है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम को लीजिए, पहले विद्यार्थी 5 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था तक गुरु के यहाँ रहते थे, वे अपने घर भी नहीं जाते थे, पढ़ाई में इतना व्यस्त होते थे कि वे गुरु के यहाँ ही रहकर पढ़ते थे, कभी स्त्रियों से बात नहीं। भोग का त्याग, और भिक्षा मांग करके लाते थे, गुरु के लिए भी भिक्षा और अपने लिए भी। तो त्याग ब्रह्मचारी जीवन में ही था, और गृहस्थ होने पर भी त्याग। कोई ऐसी संस्था संसार में नहीं है जो इस बात को सिखाती है गृहस्थ व्यक्ति केवल अपनी पत्नी से संबंध रखे। श्रील प्रभुपाद जी ने प्रथम बार विदेश में इस प्रकार की व्यवस्था दिया है। किसी एक लड़की से विवाह करके उसी से संतुष्ट रहना, अन्य स्त्रियों से कोई संबंध नहीं। धर्म का सच्चा प्रचार किया प्रभुपाद जी ने। गृहस्थ जीवन भी त्याग के लिए है, और वो भी केवल 25 से 50 वर्ष तक। गृहस्थ जीवन में अनेक पाबंदियां हैं। यदि व्यक्ति के मन में वासना है, सांसारिक कामना है, तो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहे, दूसरे की स्त्रियों को अपनी माता समझे या अपनी पुत्री समझे, और भगवान की भक्ति में लगा रहे। गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है अपने घर में ड्यूटी रखना, भगवान की सेवा पूजा करना, आरती करना, ग्रंथ पढ़ना, खास करके श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ना। यह बात मान लेने पर कहाँ रहेगा व्यभिचार, कहाँ रहेगी चोरी। ये संसार स्वर्ग बन सकता है, केवल जरूरत है प्रभुपाद जी की बातों पर ध्यान देने की। और श्रील प्रभुपाद जी अपनी बात कहीं नहीं कहे हैं, वे हमेशा भगवद गीता से बात करते हैं, श्रीमद् भागवतम से, वैदिक ग्रंथों से। श्रील प्रभुपाद ने कहीं भी कुरान की निंदा नहीं किया है, बाइबिल की निंदा नहीं किया है, लेकिन अपनी बात को उन्होंने कहा है, अपने वैदिक ग्रंथों से बात किया। इतना शुद्ध प्रचार प्रभुपाद ने किया है, उस प्रचार में शेयर लेना चाहिए, अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रचारित धर्म को हम लोग यदि प्रचार में लाएंगे,
स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा और साथ ही साथ दुनिया के सब लोग सुखी होंगे। हमारा जीवन सार्थक होगा और इस जीवन के बाद हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो एक ही प्रश्न है, जो जो वैदिक धर्म का पालन करते हैं, जो हिंदू भी समझते हैं अपने आप को, और ऐसे जो भक्त हैं समाज में भी, तो शासन का अनुसार खाली दो बच्चे उनको हो सकते हैं, अधिक होने पर प्रतिबंध है, उनको कोई सर्विस नहीं मिलेगा गवर्नमेंट में। और लेकिन इसी शासन में भारतवर्ष में जो मुस्लिम लोग हैं उनके 5, 10, 15, 20 कितने भी बच्चे होने पर कोई पाबंदी नहीं है। और अभी शासन में मतदान पर राज्य है, जिसका मतदान अधिक होगा वो राज्य करेगा। तो इसे तो आगे चल के इसका खतरा हो सकता है कि मुस्लिम लोग संख्या बढ़े और वही राज्य शासन करें, तो हिंदू के लिए कष्ट हो सकता है। हम क्या करें, सब मिलाकर के भगवान पर भरोसा करना चाहिए, धर्म की रक्षा वही करते हैं। यदि वे चाहें तो कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप हिंदू जाति की रक्षा करें, हिंदू धर्म में बहुत सी खामियां आ गई हैं, उनको दूर करें। भगवान में बहुत शक्ति है, भगवान अकेले सब कुछ कर सकते हैं। जैसे अकेले प्रभुपाद जी को भेज करके उन्होंने बड़ा काम किया, कौन जानता था कि हिंदू धर्म एक दिन सारे विश्व में छाएगा, पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये हो गया। एक समय क्षत्रियों का बहुत प्रभाव बढ़ा था, बड़े अत्याचार करते थे, पर भगवान ने एक अवतार लिया परशुराम जी के रूप में और सारे क्षत्रियों को काट दिया। ये हमारा इतिहास बताता है। और शासन दे दिया ब्राह्मणों के हाथ, जब ब्राह्मण भोगी हो गए तब वही भगवान फिर राज छीन करके क्षत्रियों को दे दिए। तो रोने से नहीं होगा, भगवान से प्रार्थना करने से होगा, भगवान का नाम जपने से होगा, वही बदल सकते हैं। अरे शासन तो अगर कहा जाए तो ये अंग्रेजों का ही उच्छिष्ट है, और जो उन्होंने सिखाया, नीति निर्धारित किया, वही चल रहा है। और कांग्रेस में भी वही था, अब थोड़ा थोड़ा बदला है। भगवान की कृपा से वैदिक शासन आ जाए अच्छा है, फिर वर्णाश्रम धर्म स्थापित हो जाए। ये सब होगा भगवान की ही शक्ति से। अपने स्कूल कॉलेजों में ये सब पढ़ाई होने लगेगी, भगवद गीता की पढ़ाई, वैदिक शास्त्रों की पढ़ाई,
तब बच्चे बदलेंगे, तब राक्षसों को अधिकार नहीं रहेगा कि वे अधिक संतान पैदा करें। ये तो शासन ठीक विपरीत है, जो सबसे दुष्ट लोग हैं उनको ये छूट है कि अधिक से अधिक बच्चा पैदा करें। हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, जब हनुमान जी लंका गए थे तो लंका जला करके उन्होंने भस्म कर दिया, और कुछ लोग बचे हुए थे, कुछ स्त्रियां गर्भवती थी, तो चलते समय बहुत जोर से गरजे तो स्त्रियों के गर्भ गिर गए। तो ये कोशिश तो करनी चाहिए कि जो दूषित आचरण वाले हैं उनकी संख्या न बढ़े, सज्जनों की संख्या बढ़े। बहुत काल तक हम लोग पाश्चात्य लोगों के शासन में रहे और उसके बाद फिर कांग्रेस के शासन। मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, राजनीति की बात हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस भी उतना ही बुरा है जितना विदेशी लोग, उसके समान ही है। तो ये तो जनता की बेवकूफ़ी है ना, ऐसे लोगों को वोट देना। ये तो भगवान की कृपा है कि कुछ बदला है, अब तो सबको सावधान होना चाहिए। बहुत वर्षों तक विदेशी गुलामी में रहे और फिर कांग्रेस की गुलामी में आ गए, अब तो सबको भाजपा को साथ देना चाहिए। यही धर्म बचाएगा। ऐसा लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये तो कोई पार्टी वाले हैं। लेकिन आपका प्रश्न ही ऐसा हुआ तो हम क्या करें। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय प्रभुपाद।